आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे परिवार के लिए हो। इंजील 24 अध्याय
उसका 45 वचन हबक्कूक की पुस्तक उसका 2:4 रोमियो 1:17 गलातियों 3:11 इब्रानियों 10:36 तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को खोल दिया। सो आज परमेश्वर तुम्हारी बुद्धि को खोल दे और तुम परमेश्वर के वचन को समझो। बस इतना हमने तुम्हारा मैंने कहा आज परमेश्वर तुम्हारी बुद्धि को खोले तुम उसके वचनों को समझो। बच्चों को ना समझने के कारण सुनते हैं और चले जाते हैं। इसके जीवन में कोई चेंज नहीं आता, लाइफ में चेंज नहीं होता, उन्नति नहीं होती, प्रगति नहीं होती, तरक्की नहीं कर पाते। जहाँ पे है वो वहीं पे है। कोई बोलता मुझे 5 हो गए विश्वासी बनकर, कोई कहता मैं 10 से विश्वासी हूँ, लेकिन वही खड़े हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो बाइबल पढ़ते जरूर है परंतु उसे समझ नहीं पाते। बिना आत्मा तुम इन वचनों को नहीं समझ पाओगे। जो वचन आत्मा के द्वारा लिखे गए इनको समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो इसलिए जब भी दुआ करते हो अपने लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगे। इसे पहले मैं आज के वचन को पूरा करूं। नहीं, ये भी पवित्र आत्मा मेरे मन में एक वचन डाल रहे हैं। सैमुअल को परमेश्वर ने किसी का मसा करने के लिए कहा, यदि किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करना। और कोई सैमुअल को प्रॉफिट सैमुअल को परमेश्वर ने किसी का मसा करने के लिए कहा? हाँ बोल लो, दाऊद का। ओके, परमेश्वर ने सैमुअल को कहा कहीं जाने के लिए। आदमी का नाम बता दिया, उसके 7 पुत्र है, तू वहां जाएगा क्योंकि मेरा मन शाऊल से हट चुका है। अब परमेश्वर कहते हैं सैमुअल को, प्रॉफिट को। बाइबल कहती है बिना अपने नबियों पर कुछ भी जाहिर किए वो नहीं कुछ करेगा। आज से 1000 साल पहले वो नबियों से बात करते आ रहा है, आज भी वो बात कर रहा है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैं तुझे बता दूं, आज बहुत सारे लोग ये सवाल करने जा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट उठे जा रहे हैं। कोई ऐसे भविष्यवाणी कर रहा, कोई घर का बताया जा रहा, कोई ऐसे बताया जा रहा। भाई ये आत्मा का काम है, जिसको जैसा बताना है वो वैसा बताएगा। तुम इतना तर्क वितर्क क्यों कर रहे हो? तुम अपना काम करो ना। परमेश्वर ने सैमुअल से कहा, सैमुअल मेरा मन शाऊल से हट चुका है, अब तू क्या कर? तू जा और किसके पास जा? ना है? किसके? दाऊद के पिता के पास। क्या नाम है इसका? है जस्सी नहीं है? पर ये क्या लिखा है? जैसे कि 7 बेटे हैं, मैं उनके घर में चला जा। वो कहता है मुझे शाऊल से डर लगता है। प्रॉफिट कहता परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें कहा तू जा अपना काम कर, जिसको मैं कहूँ उसका मसा कर देना। जिसने अपने 7 6 आके खड़े कर दिए वो एक एक करके देखे जा रहा है। परमेश्वर कहता ये नहीं है। वो कहता प्रभु मुझे कह रहा है जिसे तुमने भेड़ बकरियां चलाने के लिए भेजा, सुनो मुझे ध्यान से। परमेश्वर के दास प्रॉफिट ने कहा, उससे बोला क्योंकि आत्मा मुझे कहता है उसका मसा किया जाए। जब दाऊद को खड़ा किया गया, परमेश्वर के दास ने दाऊद के सर पर लिखा है सिंह में तेल डला हुआ था, भरा हुआ था, उसने उसके ऊपर उंडेल दिया। क्या जैसा है बड़ी खुशी में तुम पागल थे उस तरह से कर आ गए। ओके डॉन पर कुछ नाम ही ऐसा टफ सा मुझे भी लेने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या हुआ जब प्रॉफिट ने उसका मस्का कर दिया? लिखा एक काम सुनो ध्यान से, रहा तुम सब यहाँ प्रॉफिट के साथ हजूरी प्रभु के हजूरी में रहते हो, प्रॉफिट के साथ रहते हो। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने प्रॉफिट के हाथों से उसका मसा करवा दिया तो क्या हुआ बताओ? दिखाता हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल काम करना चाहिए। बाइबल के बाहर करते हो तो मजा नहीं आता। बात नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है, है? क्या लिखा है इसके अंदर? जब परमेश्वर ने प्रॉफिट सैमुअल को कहा इसका मसा करने के लिए, दाऊद का मसा करने के लिए, फिर क्या हुआ? फिर बाइबल कहती है आत्मा उसके ऊपर बड़ी सामर्थ से उतरने लगा। काम आएगा बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने प्रॉफिट को कहा और प्रॉफिट ने किया,
नील टोन में आप घुटनों पर आना है। घुटनों पर कैसे आते हैं? यस फादर, ओके फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने सैमुअल से कहा तू क्या कर, दाऊद का मसा कर दे। हैं? सैमुअल ने अपना काम कर दिया। बाइबल कहती है कि दाऊद के ऊपर क्या होने लगा, उतरने लगा, उतरानी उतरने लगा, यानी आता जाता रहा। क्यों? क्योंकि फिर जो दाऊद था वो परमेश्वर की हजूरी में रहने लगा। तुम लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मसा एक बार भी बहुत बार हुआ है, लेकिन तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, क्योंकि जब तुम बैठते नहीं, जब तुम बैठते हो तो तुम खुदा की सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत बार अनाप शनाप बातें ऐसी कर जाते हो जिसमें तुम्हारा मसा वेस्ट हो जाता है, तुम उसके मसा को आगे यूज नहीं कर पाते। लेकिन याद रखना, जब तुम विश्वासी बन जाओगे तब तुम धर्मी बन जाओगे, तब तुम्हारा विश्वास ऐसे काम करेगा, तुम जहां भी रहोगे खुदा की हजूरी में रहोगे, उसके मसा में रहोगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर जब तक अपने सेवकों को अलग करता है ना, तब तक कुछ नया करता हो। हालेलुया, तब तक वो नया करता है। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं 15 दिन में से 10 दिन खुदा की हजूरी में कंटिन्यू रहा हूँ, और 7 दिन 7 टाइम प्रभु ने मुझसे बात की, 5 टाइम परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, कुछ बातें हुई और 2 टाइम मुझे डांट लगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझसे बात की। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा परमेश्वर को तुम सुबह दुआ कर रही थी, मैं अब फिर तुम्हारे घर पे जाता हूँ, बाय 10 मिनट में कुछ देख रहा हूँ। करें प्रभु सर, एक वैसे नहीं कि मैं तेल लगाया हाथ को उठा और परमेश्वर को पकड़ाया। यदि परमेश्वर ने मुझे कहा कि परमेश्वर का मसा कर, एक्चुअली मुझे कुछ टाइम करनी थी, उसमें रुकावट आ गई, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए मैंने कहा रुकावट के लिए तो फिर आज क्या हमारे सामने। हालेलुया, लाइव देखने वाले लोग, परमेश्वर ने मुझे कहा, हमने वचन पढ़ा था सैमुअल को परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा कि उसका मसा कर दिया जाए। जब दाऊद का मसा हुआ तो फिर मसा आत्मा बड़ी सामर्थ्य दाऊद के ऊपर उतरने लगा, उतरा नहीं उतरने लगा, मतलब कंटिन्यू उतरने लगा। परमेश्वर आज तुम जब दुआ कर रही थी मैं देख रहा, तुमने हाथ उठाए हुए थे, घुटनों में बैठी हो, है ना? ओके, बल्कि जब तुम घुटनों में बैठी हो तो तुम बाइक सबसे बाइक सवार के साथ थी, है? और तुमने हाथ उठाकर प्रभु से एक बात की, तुमने कहा प्रभु मैं तेरे घर में जा रही इतनी दूर, किराया भी होता नहीं मेरे पास, फिर भी मैं इंतजाम करके जाती हूँ, लेकिन अगर आप परमेश्वर हैं तो आज तुम्हारा तेरा नबी मुझसे बात करे, है? हेलो, तुमने दुआ में कहा कि प्रभु मैं तेरे घर में जाती हूँ, किराया होता कभी नहीं होता, मैं रेंट करके जाती हूँ, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि प्रभु मुझसे बात करे। परमेश्वर से यही कहा कि सिर्फ प्रभु मुझसे बात करे, परमेश्वर ने कहा तू इसका मसा कर, हैं? मैं तुम देख रहा हूं बलविंदर, बलविंदर तुम इसी समय, जब इसी समय हमारे संगति में फिर बैठोगी, आगे फिर आप बैठेगा और मैं देख रहा हूं तुम जमीन से कुछ ऊंचा उछलोगी। तुम तकलीफों के बावजूद भी परिश्रम कर रही हो, आज तुम गिर गए, मैं तो सच पापी गुनेगार हूं, दुखों में हूं, और तुम दुख में भी हो और लाचार भी हो, परमेश्वर को अंदर आज तुम्हें मसा में डूबना करने जा रहे हैं।
और इसके बाद तुम्हारी भी सोच मिलती है कि तुम इसे बड़ा हो। यस फादर, शुले पवित्र आत्मा, शुले पवित्र आत्मा, शुले पवित्र आत्मा। इसी समय पिता बंद हो तो खुल जाए अपने सामने नाम से शब्द बढ़ा दिए जाए यीशु आपके सामने नाम से यस आज का दिन तुम्हारा है जिस प्रकार से दाऊद के ऊपर मसाल करने लगा मैं कहता हूँ प्रभु जब जा रहे हैं तुम इसी समय फट जाओ उसका नशा तो तुम्हें हो जाए यदि तुम प्रार्थना करते हो यदि तुम मांगते हो तो इसी समय उसके नशा से उसकी रूह से फट जाए इसी के सामने नाम से भाई और बहनों परंतु अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर लिया
दवाई ने मुझे किसी लड़के ने सवाल किया, पापा परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहा जबकि नूह ने इतना विश्वास किया, 100 साल तक किश्ती बनाता रहा। मैं बोला वो परमेश्वर मैं थोड़ी से कहूंगा तो अपना फैसला बदल, वो किसी को भी कुछ कह सकता है। हालेलुया, भाग करके उसने अलग अलग काम दे दिए। तुम सब लोगों को अलग अलग काम दिए गए हैं, परंतु याद रखना तुम अपना काम नहीं करते हो, इसलिए कभी तेज हो जाते हो कभी ढीले हो जाते हो। लीजिए अगला वचन पढ़ेंगे रोमियों 1:17 जी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहता है कि धर्मी जन आज्ञाकारिता से जिंदा नहीं रहता। धर्मी जो होगा वो हाथ उठाकर कितने गड़ाकर कहेगा प्रभु मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, मैं दशमांस देता हूँ, मैं भेंटी चढ़ाता हूँ, मैं इतना बीज बोता हूँ, मैं खाने पाता हूँ, मैं लंगर लगाता हूँ। लेकिन विश्वासी जन के पास एक ही शब्द होता है प्रभु मैं तेरी हजूरी में हूँ मुझे ग्रहण कर। विश्वासी जन अपनी गलतियों को मानता है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है और फिर विश्वास में खड़ा हो जाता है। वो कहता है मेरा धर्म जन यदि 7 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाकर हेलो जो काम उसने तुम्हें दिया वो पूरा करेगा जरूर। जितना तुमने इनकार करना करते चले जाओ वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो अपना काम लेगा जरूर। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ऐ विश्वासियों अपने विश्वास में मजबूत हो जाओ, तर्क वितर्क मत करो, दूसरों का न्याय मत करो, दूसरों के अंदर कमियां मत ढूंढो, सिर्फ विश्वास में मजबूत रहो। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। और विश्वास रखे परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्ग के जीवन के लिए चुना है, तुम्हें गाड़ियां पैसे देने के लिए नहीं खड़ा किया। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं जब यीशु मसीह उपवास में थे, लिखा बाइबल कहती वो 40 दिन 40 रात के उपवास में थे और आत्मा उन्हें जंगल में ले गया, वहां शैतान ने परीक्षा ली। आखिरी एक बात शैतान कहता है एक बार मुझे दंडवत कर दे पृथ्वी की सारी छावनी शौकत तुझे दे दूंगा। आवाज बंद करे बच्चों को चुप कराए। यीशु ने जवाब दिया, इसे पता हाथ खड़ा करना, यीशु ने जवाब दिया हेलो जिसे वचन मन में हाथ खड़ा करे। ओ उपवास करने वाले लोगों, उपवास रखने वाली औरतों, पता आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, वहां शैतान ने यीशु की परीक्षा दी। कुछ सवाल हुए 3-4, एक आखिरी सवाल था जिसमें लूसीफर ने यीशु से कहा एक बार मुझे दंडवत कर पृथ्वी की सारी संदेशों को तुम्हें दूंगा। यीशु ने क्या जवाब दिया क्यों किसी दूसरे को सजदा मत करना, क्यों करूं तुम्हें दंडवत, ये संसार की वस्तुओं के लिए। तो संसार के लोगों तुम सिर्फ वस्तुओं के लिए दुआएं कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें स्वर्ग राज्य के लिए चुना है। विश्वासी धर्मी सिर्फ विश्वास के साथ जिंदा रहेगा। अगला वचन जी पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा आज्ञाकारिता के द्वारा कोई मनुष्य परमेश्वर के वहाँ धर्मी नहीं ठहरता जी। वहां तो विश्वास की बात होते अमला में होने में नवेड़े। हेलो हालेलुया, धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास का अनुभव खराब है नहीं कि आप 500 रुपया खर्चे के और खरीद के ले आएंगे और खा लेंगे, चलो होगा विश्वास है। विश्वास क्या है जिसे पता हाथ खड़ा करना, अरे ना विश्वास क्या है, अरे वचन बोल गए ठंडा पड़ गया है। अरे वो विश्वास क्या है कि देखो मेरी चेलियों को विश्वास क्या है नीलम, विश्वास क्या है मैं जैसे बोलना, उषा क्या विश्वास, इंद्रजीत क्या विश्वास, चलो अल्लाह विश्वास क्या है। हालेलुया, आशा की हुई वस्तु
वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है विश्वास। और विश्वास करें कि परमेश्वर ने तुम्हारा और मेरा मसा स्वर्गीय जीवन के लिए किया है। याद रखें, विश्वास में स्ट्रांग रहेंगे तो जो काम खुदा ने तुम्हें दिया है वो तुम ही करोगे, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। जब दाऊद का मसा हो गया, दाऊद भेड़ बकरियां चलाता था, जब दाऊद को गोलियत के सामने खड़ा कर दिया, गोलियत राक्षस 9 फीट का था, दाऊद 4 फीट का, दाऊद राजा को चैलेंज कर रहा, अरे राजा तेरे पास सभी खत्म हो गए, तूने मेरे सामने एक बच्चे को खड़ा कर दिया। दाऊद कहता है गोलियत तू मुझे जानता नहीं, जब मैं अपने बाप की भेड़ चराया करता था ना जंगल में, चराया करता था जब जंगल में अपने बाप की भेड़ों को, तब कहीं गलती से कुछ शेर चीता मेरे बाप की भेड़ का बकरी को उठा कर ले जाता था, तब मैं उस शेर का चवाड़ा फाड़ कर उसे वापस ले आता था। दाऊद कहता गोलियत मैं आज तुझे धूल चटा दूंगा, सिर्फ फ्रेंड हेलो, क्योंकि दाऊद का मसा किया गया एक प्रॉफिट के हाथों से। मसा के पीछे पर परमेश्वर की योजना थी, तुम्हारे मसा के पीछे परमेश्वर की योजना है, परंतु तुम उस योजना को भूल चुके हो, इसलिए तुम विश्वास में कमजोर हो, क्योंकि लिखा है धर्मी जन केवल विश्वास से जिंदा रहता है जी। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करें, स्पिरिट ऑफ फेथ। बिना विश्वास ना तो तुम पानी में चल पाओगे, बिना विश्वास ना तुम मराठी कर पाओगे, बिना विश्वास ना तुम्हारी दुआ अच्छी हो पाएगी। तुम्हारे दुआ के शब्दों से पता चल जाएगा कि तुम कैसी प्रार्थना करते, क्योंकि विश्वास कोई अल्लू घर नहीं जो 500,000 में खरीदे। विश्वास से आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है, स्पिरिट ऑफ फेथ। लीजिए इब्रानियों की पुस्तक, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10:38, इब्रानियों 10:38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन, परमेश्वर का मेरा धर्मी जन, और धर्मी वो होता जो आज्ञा मानता है। प्रभु ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आज एक लड़का यहाँ मेरे पास आया, मैं नाम नहीं लूंगा, 1.5 महीना हो गया वो प्रार्थना में नहीं आया, आज सुबह आया आकर एक्सक्यूज देने लगा। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लोग आते जाते रहेंगे, रहते हैं और रहेंगे भी, आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं तो खुदा के साथ चलूंगा। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का काम में रखना रास्ता सकरा है। चलो चले का काम रखना रास्ता सकरा है। विश्वास करें उसके वादों पर, विश्वास करें उसके वचनों पर, भागे मत, इधर उधर मत दौड़े। यदि उसने तुम्हें चगा दी है, प्लेटफॉर्म दिया है, खड़े रहे। दाऊद को मसा कर दिया गया, परमेश्वर ने अपने समय पर उसे इस्तेमाल किया, और परमेश्वर दाऊद के बारे में एक वचन कहते हैं, पृथ्वी पर मुझे एक मनुष्य मिला है जो मेरे हृदय देखे। हेलो, तुम किसकी संतान हो? हैं? हाथ खड़ा करना, बोलना जिसे पता किसकी संतान, हाथ खड़ा करना। स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से तुम किसकी संतान हो? हाथ खड़ा करना। वो कांता किसकी संतान हो? हैं? हैं? तुम किसकी संतान? वो परमेश्वर की पहले जैसे तुम हैं। रजनी किसकी संतान हो? परमेश्वर। तुम किसी परमेश्वर की, ओके, तुम परमेश्वर की संतान हो, तो यीशु के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? हैं? हैं? भाई बहन तो यीशु तुम्हारा भाई, तेरा भाई तुम कुशल है, तो यीशु मसीह के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? हम दाऊद की संतान है। तुम दाऊद की संतान, ये दाऊद का बेटा, तुम परमेश्वर की संतान का था। यीशु के साथ क्या रखते तुम?
अबे कृष्ण साहब ने कहा यीशु का जन्मदिन मनाना, पहले रिश्ता तो जानू, यीशु के साथ रिश्ता क्या तुम्हारा? कोई कर बताए, बाइबल पढ़ने वाले लोगों को बताओ, यीशु ने तुम्हें क्या क्या कर बनाया? हैं? तुम्हें बेटा कहता है यीशु ने? मुझे तो कहता नहीं, हैं? अच्छा, मैंने कहा यीशु के साथ रिश्ता क्या? वो बोले बेटी और पुत्र, तुम परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर की बेटी हो, परमेश्वर के बेटे हो, लेकिन यीशु के साथ रिश्ता क्या? यीशु ने कहा तुम मेरे मित्र हो जाओ, और मित्र के साथ सारी बातें शेयर करनी जाती है। मैं बड़े खुश नसीब हो, यीशु ने मेरे लिए क्रूस उठाया, तुम्हारे लिए क्रूस उठाया, और यीशु ने तुम्हें और मुझे मित्र बना लिया। परंतु अगर मित्र से बात ही नहीं करते हो, प्रार्थना में नहीं बैठते, मित्रता कहेंगे? किसी को दोस्त कह दो और ना चिट्ठी ना संदेश, फिर वो क्या कहेगा? जाने वो कौन सा देश, यहां तुम चले गए। यीशु मसीह ने आपको और मुझे मित्र कहा है, और हम परमेश्वर की संतान है। तुम्हें पता है जब परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करते हैं, यीशु मसीह, जब तुम आत्मा में बनने लगोगे, तो मैं एक दर्शन बता देता हूँ। इन पांच टाइम जो तुम्हें भी बात की, प्रभु ने मुझे चिताया, फिर से याद कराया। मैं देखा, मैं उस रूम में प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर का दूत उतरा और उसने कहा तू बड़ा आंसुओं से प्रार्थना करता है, प्रभु ने तुझे मसा ही आंसुओं का दे दिया। क्यों? क्योंकि ये मसा तुम्हारे ऊपर इसलिए उतरा कि जब 2015-14 में तुम मुंबई से स्वर्ग उठाया गया था, परमेश्वर ने अपने दास डीजीएस बिना करने के हाथों तेरा मसा किया, इसलिए तेरे पास रोने का आत्मा है। मैंने परमेश्वर के दूत से कहा, प्रभु के दूत, रोने का मेरी आंखें सूजने लगी हैं। उसने मुझे कहा परमेश्वर ने तुझे मित्र ठहराया, अब जल्द प्रभु तुझसे बात करने वाले। मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्म जन विश्वास से जिंदा रहेगा, विश्वास करो तुम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हो, और प्रभु यीशु मसीह तुमसे बात करने वाला है, और ये मंत्र तुम्हारा है। परंतु तुम्हें बैठना होगा प्रार्थना के लिए कि तुमसे बात करे, तुम्हें बताए, तुम्हें चिताए कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम कहां जाओगे। तीनों अक्षरों का, तीनों शब्दों का जवाब मिलेगा, तीन सवालों का, कौन हो तुम, कहां से आए हो और कहां चले जाओगे। ये तीनों बातों का आंसर तब मिलेगा जब तुम प्रार्थना में बैठोगे और अकेले बैठोगे, तब प्रभु तुमसे बात करते हुए तुम्हें चिता देगा कि वो तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। उसने कहा मेरा धर्म जन केवल विश्वास से जिंदा रहेगा, तो जब तुम विश्वास करो, तो उसने कहा है पहले मेरे धर्मराज की खोज कर, सारी वस्तुएं तुम्हें गिफ्ट टाइम पर होगा तुम्हारे। सो याद रखे, क्रिसमस तुम्हारे लिए आशीष लाए। मुझे याद है आज सुबह फिर प्रभु मुझे बात कर रहे थे। सुबह मैं 7:45 से रात की हजूरी में बैठा हुआ था और प्रभु से विनती कर रहा था कि प्रभु जो मसा मुझे आपने दुबई में फील कराया वो यहाँ मेरे प्रेयर रूम में हो। तो प्रभु मुझसे बात करने लगे और मुझे याद आया कभी कुमार हमारे ऊपर ऐसा समय था जब क्रिसमस के दिनों में हम फाइनेंशियली बड़े टाइट रहते थे और देखा करते थे कि उस चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए लेकिन नहीं थी। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बच्चे उन चीज़ों के लिए मोहताज ना रहे, ये क्रिसमस तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए बड़ी आशीष लाए। खुदा ने आज कहा मेरा धर्म जन विश्वास से जिंदा रहेगा, तो विश्वास करना इस मंथ ऑफ दिसंबर में तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। अरे जो में तुम परेशान रहे हो धन को लेकर, लेकिन ऐसे प्रॉफिट ये प्रोफेसी करता हूँ, ये भविष्यवाणी है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, कोई गेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें फूल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास तुम्हारे बीच एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मंथ ऑफ दिसंबर, आज 1 दिसंबर है, ये क्रिसमस तुम्हारे लिए आशीष लाए। 25 दिसंबर से पहले तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे विश्वास को बढ़ाए, उसके हजूरी में जाए, अकेले बैठे प्रार्थना करें, क्योंकि कोई रिश्ता स्थिर नहीं है, सब साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन यीशु कहता है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, यदि यीशु मित्र है
यदि तुम परमेश्वर की संतान हो तो सुनो, फिर पवित्र आत्मा कह रहे हैं तुम आनंदित रहोगे, खुशियों से भर रहोगे, आत्मिक जीवन से भर जाओगे, आनंद से भर जाओगे। हालेलुया। केवल उन्होंने कहा, केवल मेरा धर्मजन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे, विश्वास से जिंदा रहे, विश्वास के साथ चलने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारे जीवन का आशीष करे। तुम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, संसार के किसी भी कोने में हो, परमेश्वर तुम्हें इसी समय आशीष करे। तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, बीमारी से बाहर आ जाओ, बंधन से आजाद किए जाओ, तुम्हारे धन में बढ़ोतरी हो। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस नासरेथ, मिरेकल मनी इन योर वॉलेट, मिरेकल मनी इन योर पर्स, मिरेकल मनी इन योर बैंक अकाउंट। मैंने कहा तुम्हारे बैंक अकाउंट में धन बढ़ा दिया जाए यीशु के नाम से, ताकि तुम इस क्रिसमस के दिनों में अपनी खुशी से खर्चा कर सको। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखें, मिरेकल के जो जो मनी के मिरेकल है, मिरेकल मनी जो है, ये तुम्हारे जीवन में तब रहेगी जब तुम सैक्रिफाइस करना सीख जाओ, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए, ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता आज के इस वचन के लिए, अपने वचन के द्वारा आशीष करने वाले खुदावन। आपने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, वो खुदावन हमारे विश्वास को बढ़ाए। मैं विनती करता हूँ पिता, आपका दास होने के नाते आपके इन लोगों के विश्वास को बढ़ा दिया जाए यीशु के सामर्थ नाम से, विश्वास को बढ़ाए यीशु, इनके विश्वास को बढ़ाए पिता, इनके विश्वास को बढ़ाए पिता, ताकि ये दिसंबर में इनके लिए आशीष आए। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। जो लोग आज भी नहीं आ पाए उन्हें क्षमा करें खुदा, ये क्रिसमस आपके लोगों के लिए आशीष है। परमेश्वर के लोगों, तुम संसार के किसी भी देश में क्यों ना बैठे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, तेरा परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। और फिर से बात कहता हूँ, ये क्रिसमस तुम्हारे लिए आशीष लाए। हालेलुया। यदि कोई बीमार है तो अपनी जगह पर खड़ा हो जाओ, बस 10 मिनट में फिनिश कर दूंगा। यदि कोई बीमार है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। किरण, किरण चेक करना, अभी पूछ लेना भी क्या क्या प्रॉब्लम थी। किरण सी हो चुकी है, आपने चेक कर ले। क्या नाम है तुम्हारा? निशा क्या बोलो, निशा चेक करने आ रहे हैं, चेक करने जल्दी आगे चेक करना। निशा इनको पूछना, निशा को क्या प्रॉब्लम तुम्हें, फीवर है? क्या नाम है तुम्हारा? रुचिका हाथ करे ना, इवन क्या करना छोड़ दे नाम से। क्या प्रॉब्लम है? का नाम किरण है, ये बाबू लाल सिंह नगर से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 25 साल से इनको लगातार पेट में दर्द रहता था। 25 साल से पेट में दर्द था। यस मैडम गॉड, जैसे मैडम गॉड आपकी आत्मा फूका, बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, अभी दर्द नहीं है। सही बात है, चेक करो। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी दवाई नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि ना तो फोटो खींचता ना कोई दवाई लिखता, तुम बच जाते हो, बच जाते हो। इसका नाम किरण है, 25 साल से जब प्रॉब्लम थी कि पेट में दर्द रहता था, जैसे आत्मा फूका तो टच भी किया मैंने। हालेलुया, किरण बोल दिया, बता दिया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी यीशु के लिए इसका नाम निशा है। कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम? बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी बढ़ रहा था और चक्कर आते थे। अभी क्या कर रहे हैं? जरा जोर से बोलो, अब ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। निशा बता रही है 2 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी, सिर चक्राता था, जैसे आत्मा फूट गया निशा, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया।